सो फाइनली हीरो भी लेके आ गया है अपनी 100 सीसी की पैशन प्लस को इंडिया में, जो कि टक्कर देगी भाई सीधे जो आपकी होंडा की नई शाइन आई है 100 सीसी की उसको। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, लॉन्चिंग कब है, क्या इसकी प्राइस रखी गई है और डीलर्स के पास ये बाइक कब तक पहुंच जाएगी। तो डिटेल में वीडियो होने वाला है, वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों से मिस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लुक्स और डिज़ाइन की। तो जो पहले पैशन आती थी उसी से मिलता जुलता लुक और डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सा टैंक का साइज बड़ा है और जो फ्रंट लुक है वो थोड़ा सा मस्कुलर लगता है। कंपेयर करूँ अगर शाइन 100 को, तो वो बहुत ही मतलब एक पतली सी बाइक ऐसे लगती है, रोड अपीयरेंस बहुत ही पतली सी कि यार हल्की सी बाइक आप चला रहे हो। उसका टैंक साइज भी बहुत पतला है, फ्रंट का जो मास्क है वो भी ज़्यादा इतना मस्कुलर नहीं है जितना आपका पैशन प्लस है। बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो वही स्प्लेंडर वाला 97 सीसी का सिंगल सिलेंडर यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि 4 स्पीड के गेयरबॉक्स के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये BS6 Phase 2 इंजन नॉर्म्स के साथ आता है, जो कि E20 पेट्रोल टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे इसमें प्री इंस्टॉल्ड OBD सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। पावर की बात करें तो 8 BHP के आसपास की इसमें पावर देखने को मिल जाती है और 8.5 NM के आसपास का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड रहेगी 70 से 75, जिस पे आप इजीली आपको ये माइलेज भी निकाल के देगी और बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी आने वाली है। बाकी बात करें अगर टॉप स्पीड की, तो 95 से 97 तक आप इसको टॉप स्पीड में ले जा सकते हो। बात करें यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कोई खासे फीचर्स नहीं होंगे, नॉर्मल फीचर्स आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पर फ्रंट साइज की, तो फ्रंट में आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको बल्ब टाइप ही देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में आपको यहाँ पे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बात करें रियर की, तो रियर में आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की। तो इसमें आपको खाली ड्रम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो अभी कंपनी की तरफ से कोई भी डिस्क वाला वेरियंट इसमें लॉन्च नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी कम रखनी थी और इसकी जो टक्कर थी वो होंडा की शाइन से होने वाली थी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ CBS टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलेगी। सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए सीट की साइज काफ़ी कंफर्ट है और काफ़ी ब्रॉड है। इजीली आप अपना लगेज वगैरह भी कैरी कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनका मार्केटिंग वगैरह का या फिर डेली रनिंग का काम ज़्यादा होता है, तो उनके लिए बेस्ट है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे, तो भाई इजीली आपको ये बाइक 65 प्लस माइलेज देने वाली है अगर आप चलाते हो इसको इको मोड पे। तो जिन भाइयों की डेली रनिंग ज़्यादा है उनके लिए ये एक बहुत ही मस्त बाइक होने वाली है माइलेज के मामले में। तो बस ये सारे फीचर्स हैं एक नॉर्मल सी कम्यूटर डेली सेगमेंट के लिए ये बाइक लॉन्च हुई है और ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे इसको लॉन्च कर दिया है। डीलर्स के पास आना चालू हो गई है, अगले 15 दिन में आपको हर डीलर के पास ये बाइक जो है देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस। तो प्राइस अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी है होंडा ने, लेकिन हाँ अपन को जो है इंटरनल न्यूज़ के थ्रू पता लग गई है कि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 70,000 के अप्रोक्स रहने वाली है एक्स शोरूम दिल्ली। तो ये मान लीजिए भाई आपको कहीं ना कहीं शाइन के टक्कर में ये बाइक देखने को मिल रही है, बट लुक और डिज़ाइन शाइन से काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ इनमें आपको एक नॉर्मल जो है मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक एनालॉग वाला है, जबकि इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है। बाकी तो होंडा का इंजन ट्रस्ट है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो बस यही था इस बाइक से रिलेटेड वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।